जो किसी प्रकार का कोई फंगस नहीं आने देती, आपकी मिट्टी को बहुत भुरभुरा बनाती है, बहुत उपजाऊ बनाती है। बहुत आसान तरीका है, आपका कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। बढ़ते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर पत्ते सूख जाएंगे तो आपकी खाद तैयार नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मैंने क्या ऐड कर रहा है, और इसके अंदर बहुत सारा सल्फर आपको मिल जाएगा, पोटास भी उसमें मिलेगा और फॉस्फोरस भी उसमें मिलेगा। तो दोस्तों ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने बहुत सारे पत्ते मैंने इकट्ठे किए हुए हैं और इन पत्तों को मैं खूब सारा पानी पिला रहा हूँ। आप सही पहचान रहे हैं, ये मेरे सारे ड्राई लीव्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा पतझड़ हो रही है। और ये देखिए हमने कितनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ये पत्ते मंगा रखे हैं। दोस्तों मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूँ अपने रूट ऑफ ऑर्गेनिक्स में। अभी आपने देखा हम क्या कर रहे थे दोस्तों, मैं बहुत सारे सूखे पत्ते इकट्ठे कर रखे हैं, इनके हम बनाने जा रहे हैं खाद। और ये खाद देखिए दोस्तों कितनी सुंदर बनती है हमारी, बहुत ही अच्छी खाद होती है। और ये और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है देखिए। और ये बिल्कुल बारीक खाद, बिल्कुल हल्की सी है और इसमें किसी प्रकार का कुछ और आपको मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती जब इस प्रकार की आप ये खाद बना लेते हैं। और इसको आप अपने डायरेक्टली प्लांट्स में सीधा अप्लाई कर सकते हैं, तो किसी प्रकार का कोई फंगस नहीं आने देती, आपकी मिट्टी को बहुत भुरभुरा बनाती है, बहुत उपजाऊ बनाती है। दूसरी कोई भी ऐसी पौध जो आपने गार्डन में लगा रखी है या इंडोर प्लांट लगा रखे हैं तो उन सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किस प्रकार से आपको ये बनाना है ये आज पूरी विधि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप अंत तक बने रहिए, पूरी अच्छी तरह से समझिए। और अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और अगर आप कुछ कमेंट्स देना चाहते हैं तो बताइए, या कोई ऐसी टिप्स जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, आप किस प्रकार से बनाते हैं ये भी हमें बताइए। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं कि हमें कैसे क्या करना है। तो ये देखिए एक कट्टा इस प्रकार से हमारे माली भैया हमारे को भर के गए हैं इसको, तो ये देख रहे हैं आप इस प्रकार के आपके सूखे पत्ते होने चाहिए जो इस प्रकार से आपकी कड़कड़ की आवाज़ करते हो। ये देखिए इस प्रकार से जो कड़कड़ की आवाज़ करते हो, इस प्रकार के सूखे पत्ते आपके होने चाहिए। इसमें अपने हरे पत्ते नहीं इस्तेमाल करने, इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। बहुत आसान तरीका है, आपका कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस वन टाइम आपकी थोड़ा सा मेहनत है 1-1.5 घंटे की, उसके पश्चात आपको महीने 2 महीने में इसको थोड़ा सा देखना है और 8 से 9 महीने या 7 से 9 महीने के अंदर आपकी ये खाद लगभग तैयार हो जाएगी, अगर आप जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उसी प्रकार से करते हैं। जो इस प्रकार का आप कट्टा लेते हैं ये देखिए, या जो दूसरे वाले हमारे पास कट्टे आते हैं चावल के, गेहूँ के या दालों के जो छोटे कट्टे होते हैं उनमें भी आप बना सकते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि एयर का फ्लो बन रहता है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे छेद होते हैं तो इसमें एयर फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो आप इस प्रकार के जो ये हमने जो सूखे पत्ते लिए हैं इनको आराम से आप सब पानी में जिस प्रकार से मैंने अभी भिगोए हैं उसी प्रकार से आप इनको भिगो सकते हैं। मैं इसमें नहीं बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, मैं अपने जो सूखे पत्ते जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं ये मैंने किचन कंपोस्ट के लिए इकट्ठे किए हुए हैं, जो हम किचन कंपोस्ट से खाद बनाते हैं उसके लिए मैंने ये इकट्ठे किए हुए हैं। और ये जो ड्रम आप देख रहे हैं ये देखिए मेरा 500 लीटर का पानी का टैंक है, ये जो ख़राब हो गया था। और उसके पश्चात मैंने इसमें क्या किया है कि इसमें बहुत सारे छेद मैंने चारों तरफ से कर दिए हैं, आप देखेंगे इस प्रकार से मैंने चारों तरफ से छेद किए हुए हैं इसमें, जिससे कि इसके अंदर एयर का फ्लो बना रहे। तो अब आपको क्या करना है, इसमें लेयर बाय लेयर यानी कि 1-2-3 इंच की लेयर आपने सूखे पत्तों की डालनी है, फिर हल्का सा पानी का छिड़काव करना है, फिर डालना है, फिर पानी का छिड़काव करना है। इस प्रकार से इसको पूरी टंकी को आपने भर लेना है, और पूरी टंकी जब भर जाए तो थोड़े दिन उसको छोड़ दीजिए। फिर आप देखेंगे 15 से 20 दिन के बाद वो थोड़ा सा पत्ते आपके नीचे को जाने लगते हैं तो उसको दबाइए हाथ से, जब थोड़ा सा नीचे पहुंच जाए तो उसके पश्चात उसमें थोड़ा सा पत्ते और डाल दीजिए, यानी कि आपने इसको पूरा पुश करते हुए भरना है। इतनी मेहनत आपको स्टार्टिंग में करनी पड़ेगी, उसके पश्चात इसको किसी भी ढक्कन लगाकर या कपड़े से इसको ढक दें। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें मॉइस्चर हमेशा बना रहे, 15 दिन में 20 दिन में महीने में जैसा भी है वैसे आपने इसको देखना है, और देखना है कि ऊपर मॉइस्चर लेवल बना है या नहीं बना है। और अगर नहीं बना तो हल्का सा आप उसमें पानी का छिड़काव उसमें कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर पत्ते सूख जाएंगे तो आपकी खाद तैयार नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। रखना कहाँ है इसको, धूप में आपने नहीं रखना है, ऐसी जगह रखना है जहाँ बिल्कुल छाया है। अगर आपके छत पर कोई ऐसा स्पेस नहीं है कि आप जहाँ छाया आती है और धूप ही है तो फिर आप इस प्रकार से बनाइए और उसको ऊपर से कट्टों से या किसी भी चीज़ से ऐसे ढक दीजिए कि उस पर डायरेक्ट सनलाइट ना आए, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। और 2-3 महीने बाद देखिए, जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखिए आप हमारा ये 1 महीने पुरानी हमने जो पत्तों की खाद बनाई थी ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, आप देख रहे हैं। और ये पत्ते हमारे देखिए बिल्कुल लगभग सारे काले हो गए हैं, ये देखिए इस प्रकार से। और इसमें गीलापन ये बिल्कुल बना हुआ है क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ हमेशा ऐड करते रहता हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगा कि इसमें मैंने क्या ऐड कर रहा है और या क्या ऐड मैं अभी दिखाऊँगा आपको। तो इस प्रकार से भी नीचे से भी मैं अगर हाथ डाल के देखूँ तो ये देखिए आपको एक हल्की सी हीट सी महसूस होगी नीचे,
क्योंकि ये गर्म हो जाता है जब इसकी प्रोसेस होती है, तो ये हल्का सा नीचे हीट देता है। और आप देखेंगे इसमें किसी भी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आएगी आपको, किसी भी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आती इसमें, कोई कीड़े नहीं पड़ते हैं। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आप इजीली इसको बना सकते हैं। अब ये देखिए इसको इस प्रकार से आपने इसको इस प्रकार से दबा दीजिए थोड़ा थोड़ा करते हुए। ये लास्ट में आप जब देखेंगे कि जब ये खाद धीरे धीरे तैयार होगी तो ये ड्रम लगभग आपका 1/4 रह जाएगा। अभी इसमें हम और सूखे पत्ते ऊपर से डाल देंगे। तो दोस्तों अब जैसे ये 1-1.5 महीने की हो गई है ये वाली खाद, तब आप इसको प्रोसेस और ज़्यादा तेज़ करने के लिए कि इससे ज़्यादा अच्छी बने, हम इसमें क्या मिलाने जा रहे हैं, तो ये आइए देखते हैं। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यह है छाछ लस्सी, प्लेन लस्सी, जो नमकीन ना हो, मीठी ना हो, बाजार की कोई भी ऐसी लस्सी आपने इस्तेमाल नहीं करनी जिसमें नमक हो। तो ये प्लेन लस्सी है जो हमारे घर पर ही तैयार होती है। तो इस प्रकार से हम इसको हल्का हल्का इस प्रकार से डाल देंगे, और बहुत ज़्यादा नहीं डालना आपको, 100-200 ml डालना है बस। इसमें जो माइक्रोब्स होंगे वो माइक्रोब्स इसके अंदर जाएंगे। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स हमारे बनेंगे। जैसे हमारी हम थोड़ा सा दूध में हल्की सी दही डाल देते हैं तो वो पूरी दही बन जाती है, क्योंकि उसके माइक्रोब्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसके माइक्रोब्स इसमें मल्टीप्लाई होंगे और ये पत्तों की खाद हमारी धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्दी प्रोसेस होती है। दोस्तों ये काम आप सिर्फ पानी से भी कर सकते हैं, पानी डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि अगर आप इस प्रकार से छाछ का प्रयोग इसमें करेंगे तो आपके इसमें जो पत्तों की जो खाद बनेगी उसमें कैल्शियम की बहुत अच्छी मात्रा होगी। उसमें फिर आपको कैल्शियम अलग से ऐड करना नहीं होगा, यानी कि वो ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली वैल्यू वाली खाद आपकी बनेगी। इसी प्रकार से जब आप इसमें थोड़ा सा अगर आप छाछ का यूज़ नहीं करते तो गुड़ का पानी भी डाल सकते हैं। 100 ग्राम गुड़ लीजिए, उसको पानी में पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसका घोल इसके अंदर डाल दीजिए। उससे क्या होगा, गुड़ के उससे इसके अंदर बहुत सारा सल्फर आपको मिल जाएगा, पोटास भी उसमें मिलेगा और फॉस्फोरस भी उसमें मिलेगा। खाद लगभग 6 महीने या 7 महीने के अंदर ही तैयार हो जाती है, अदरवाइज इसको पानी से बनने में लगभग 8 से 9 महीने का समय लगता है। और अगर आप बीच बीच में इसको ऊपर नीचे भी थोड़ा सा अगर कर सकते हैं, कम क्वांटिटी है, तो और भी जल्दी आपकी इसकी खाद बन सकती है। बस आपने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें मॉइस्चर लेवल बना रहे। तो दोस्तों आइए हम इस टैंकी में पत्तों को, सूखे पत्तों को डालते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से डालने के बाद हल्का हल्का आपने पानी का स्प्रे करते रहना है, यानी कि पानी का छिड़काव करते रहना है, लेयरिंग कीजिए। हालांकि आपने देखा अभी जो मैंने पत्ते तैयार किए हुए हैं उनको मैंने ऑलरेडी पानी से भिगो दिया है। वो इसलिए है क्योंकि जब हम पत्ते उठाते हैं इसमें डालते हैं तो उससे धूल ना आए, वो धूल हमारे को हमारे शरीर पर अफेक्ट ना करे। पत्ते गीले हो जाते हैं तो सारा उसमें धूल वूल सब दब गया है। तो अब उन पत्तों को हम अपने ड्रम के अंदर डालते रहेंगे और इस ड्रम को धीरे धीरे पूरा भरते रहेंगे और हल्का हल्का पानी का छिड़काव करेंगे और फिर हम इसी प्रकार से इनको रख देंगे। तो ये प्रोसेस हमारी धीरे धीरे चलती रहेगी। तो ये देखिए इस प्रकार से मैं इनको धीरे धीरे इसके अंदर डालते रहूँगा। आप देख रहे हैं कुछ पत्ते गीले हुए हैं लेकिन कुछ अभी सूखे हैं इसके अंदर, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर दोबारा से हम पानी डालें। अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर है तो वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे और जल्दी हमारी प्रोसेस बहुत जल्दी बन जाते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर इसको बहुत जल्दी गला देगा और वो 5 से 6 महीने के अंदर आपकी ये खाद बन सकती है अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर हो, सही मात्रा में इस्तेमाल करें। तो ये देखिए अब ये देख रहे हैं इतने बड़े बड़े पत्ते भी मैं इसमें डाल रहा हूँ, मैं इनको मैश नहीं कर रहा। ऐसा मत समझिए कि इनको मैश करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास छोटी सी क्वांटिटी में है तो आप इनको मैश करके डाल सकते हैं और जल्दी प्रोसेस हो जाएगी, अदरवाइज ये सब धीरे धीरे पत्ते हमारे गलते जाते हैं। इस प्रकार से जब आप 2-3 इंच की इसमें लेयर बना लेते हैं, जैसे मैंने नीचे इसमें बना ली है, अब एक लेयरिंग करने के पश्चात आपको इस प्रकार से हल्की हल्की इसमें वाटरिंग कर लेनी है, बहुत हल्की हल्की इस प्रकार से वाटरिंग करनी है कि जिससे अच्छी तरह से पानी से भीग जाए। बस इतना ही हम इसमें वाटरिंग करेंगे। इस प्रकार से हम इसकी लेयरिंग करते जाएंगे 2-3 इंच की और हल्की हल्की वाटरिंग करते रहेंगे। फर्स्ट टाइम आपको ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि नीचे तक इसमें पानी नहीं पहुँच पाता है कई बारी, तो नीचे के पत्ते हमारे बिल्कुल सूखे रह जाते हैं। तो ये वाटरिंग आप करते रहिए, लेयरिंग बनाते रहिए। अब हम इसको पूरी भर लेंगे इसी प्रकार से करते हुए। तो दोस्तों देखिए हम इसकी लेयरिंग कर रहे हैं और ये लगभग हमारी अब थोड़ा सा भरने वाली है। बीच बीच में हमने इसमें पानी डाल रखा है बहुत ज़्यादा, ये थोड़ा सा मेहनती काम है हमारा, हम दोनों लगे हुए हैं। तो ये लगभग हमारी जो खाद बनेगी 30 से 40 किलो खाद हमें इसमें बहुत अच्छी सूखे पत्तों की मिलती है। कि अब मैं इसमें थोड़ा सा वाटरिंग करूँगा, हल्का हल्का इस प्रकार से वाटरिंग इतना करें कि ये पानी आपका बिल्कुल नीचे तक पहुँच जाए, जिससे कि सारे जितने भी सूखे पत्ते हैं सबको वाटरिंग मिल जाए। तो दोस्तों अब इसमें काफ़ी वेट हो गया है, अब हम इसको इसकी जगह पर यानी कि छाया वाली जगह पर जहां हमारा ये रहता है इसको हम वहां पर रख देंगे और उसके पश्चात हम इसको खोलेंगे हर 1-2 महीने के पश्चात। जो मैंने अभी आपको बताया कि हम इसमें डालेंगे छाछ का प्रयोग करेंगे या गुड़ का पानी का प्रयोग, अल्टरनेटिवली आप कर सकते हैं 2 महीने में एक बार ही छाछ, फिर 1 महीने बाद गुड़, फिर 1 महीने बाद आप इसमें छाछ का प्रयोग करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके सूखे पत्तों की खाद बहुत जल्दी तैयार हो रही है। ये ध्यान दीजिए कि बहुत ज़्यादा पानी आपने इसमें बाद में नहीं डालना है, कहीं उसमें नीचे कीचड़ ना बनाओ।
और एक चीज का और ध्यान रखें, अगर इस प्रकार के कंटेनर में आप कभी ये सब बना रहे हो तो नीचे से पानी निकलने का उसमें जरूर साधन हो। जैसे आप, मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आप देखेंगे, ये देखिए मैंने इसमें नीचे से छेद कर रखा है, यानी कि ये जो छेद कर रखा है यहाँ से हमारा जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है ये निकल जाता है। अगर ये निकलेगा नहीं और पानी इकट्ठा रह गया तो इसमें बदबू भी आएगी, आपके पत्तों की खाद भी तैयार नहीं होगी और उसमें कीड़े भी लग सकते हैं। पानी इसमें बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आप इसमें ध्यान रखना। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप भी ट्राई कीजिए जरूर ऐसी प्रकार से खाद बनाने की, और आपके पास कुछ नई इन्फॉर्मेशन है तो हमारे साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।